वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। इंडिया में क्रिकेट एक मजहब की तरह है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी क्रिकेट का जुनून पाया जाता है। दोनों ममालिक की टीमें जब भी मैदान में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होती हैं, तो माहौल पुरजोश हो जाता है और परस्ती चढ़ चढ़ कर बोलती है। मैच में फतेह हो शिकस्त गोया दो ममालिक के दरमियान जीत और हार हो जाती है। गौर करें कि आज से 70 साल पहले बर-ए-सगीर में क्रिकेट कैसा रहा होगा। इस वक्त पाकिस्तान नहीं था। जो इलाके आज पाकिस्तान में हैं, वो इंडिया का हिस्सा थे और इस वक्त सिर्फ एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी, यानी हिंदुस्तान की टीम। इंडिया ने 1932 में ही टेस्ट क्रिकेट का दर्जा हासिल कर लिया था। 30 की दहाई में इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड से उनके मैदान पर और घरेलू मैदानों पर कई टेस्ट सीरीज खेली थी, जिनमें से इंडिया को किसी मैच में कामयाबी ना मिल सकी थी। हालात में तब्दीली उस वक्त आई जब मुल्कों का बंटवारा हो गया। जो टीम कभी एक हुआ करती थी, वो दो हिस्सों में बट गई। हिंदुस्तानी टीम के कई खिलाड़ी पाकिस्तान चले गए। जो खिलाड़ी कभी एक साथ खेला करते थे, वो एक दूसरे के हरीफ बन गए। ऐसे ही एक खिलाड़ी अमीर अली थे। वो बड़ौदा की टीम की तरफ से खेला करते थे। इस दौर में बड़ौदा की टीम ही कमोबेश इंडिया की क्रिकेट टीम थी। तकसीम हिंद के बाद अमीर अली पाकिस्तान चले गए। जब मुल्क का बंटवारा हो गया, तो अमीर अली ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। तकसीम के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी अलहदा टीमें बनाई, और जब पाकिस्तान की टीम ने 1952 में भारत का दौरा किया, तो अमीर इलाही ने पाकिस्तान की तरफ से खेलने का एजाज हासिल किया और यूं वो क्रिकेटर जो कभी भारत की जीत के लिए खेलता था, वो अब हिंदुस्तान को हराने के लिए खेल रहा था। इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम के बाद क्रिकेट ने तवील सफर तय कर लिया है। वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।